बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं यहाँ पर चिकन के पकोड़े बना रही हूँ और ये चिकन पहले से ही मैंने बॉईल करके सिंपल, बस कोई ना नमक और मिर्ची कुछ नहीं डाली मैंने, ऐसे सिंपल पानी में डाल के तो बॉईल कर दिया था और इसको शेयर कर दिए। तो यहाँ पर मैंने अनियन लिए एक अदद दरमियाने साइज़ का और यहाँ पर हाफ मैंने ये देखें आलू लिया है और इसको मैंने यूँ कट कर दिया, थोड़ा सा जैसे चिप्स हम खाते हैं इस टाइप का मैंने कट किया हुआ है। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च एक अदद है तो लिहाजा हम मिर्चें कम खाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अदद यूज़ करी हुई बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक टेस्ट डिवेलप होता है पकौड़ों में, हरी मिर्ची को बहुत अच्छा लगता है। आप अगर खाते हो मिर्ची तो लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ है मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास सूखी मेथी है तकरीबन एक टी स्पून के करीब है और ये मेरे पास नमक हसबे जायका और मिर्ची हसबे जायका और ये मीठा सोडा है तकरीबन 2 पिंच के करीब है और ये मेरे पास हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मेरे पास हल्दी है और ये एक टी स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तकरीबन हाफ कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया हुआ है। तो चलिए ऐड करते हैं और मज़ेदार किस्म के चिकन के पकौड़े बनाते हैं। देखिए सारी चीज़ें चली गई और ये चिकन भी ऐड हो गया। तो बेसन मैंने थोड़ा लिया हुआ है, थोड़ा सा बस कोटिंग हो जाए इतना नहीं, मुझे पकौड़े ख़ास पसंद है ऐसे बहुत बेसन वाले, लेकिन ये देखिए 8 डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं और जो मसाले मैंने आपको बताए तो सारे मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसमें सूखा कूटा हुआ जो धनिया है वो मैंने ऐड नहीं किया, आप करना चाहते हो तो आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ मैंने बेसन ऐड कर दिए और साथ में अभी मैं इसमें जो वेजिटेबल मैंने कट किए और चिकन तो ये ऐड करूँगी, तो ये मैं टोटली अभी सारा ऐड कर देती हूँ। पर पहले मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, फिर मैं थोड़ा ग्लव्स पहन के तो मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें मिर्चें हैं तो हाथों को मिर्चें लगती हैं, तो लिहाजा मैं ग्लव्स पहन के तो इसको मिक्स करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, पहले मैं अच्छी तरीके से बेसन में इन सब वेजिटेबल को कोट कर दूँगी, साथ में चिकन भी है, फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि जो वेजिटेबल होते हैं तो इनके जूसेस होते हैं, तो अगर मैं पानी ऐड करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए ये यम्मी सा नहीं बनेगा। तो लिहाजा मैंने ये देखें थोड़ा सा मिक्स कर लिए, तो थोड़ा सा लाइट सा पानी जो ऐड करूँगी वो भी आपके सामने ही ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हो ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया और आपके सामने ही मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा करके। और फिर जब इसका पेस्ट बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस टाइप का है, तो उसी टाइप को बना के तो वैसे ही आपने पकौड़े बनाने, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बस जितना मैंने ऐड किया इतना थोड़ा और ऐड करके तो फिर मैं आपको टोटली कम्प्लीट करके दिखाती हूँ। पर हमने ये मिक्स कर लिया, उतने ही बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था और कवर कर दिया, तकरीबन इसको 10-15 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम पकौड़े रेडी करेंगे। देखिए व्यूअर्स, इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं तो लिहाजा यहाँ पर अभी हम पकौड़े बना रहे हैं और ये मैंने पैन में पहले से ऑयल डाल के रखा था, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम ऑन है तो इसलिए ये अच्छे जो मसलन सही पकौड़ों के लिए कि ना पकौड़े चलें और मज़ेदार किस्म के बन जाएँ तो रेडी है। तो लिहाजा हम इसमें बेसन ऐड करते हैं, पकौड़े बनाते हैं मज़ेदार किस्म के। देखिए आप देख सकते हो इतनी हीट है, इससे ज़्यादा वो नहीं किया मैंने ज़्यादा गर्म, क्योंकि एकदम से फिर पकौड़े जल जाते हैं, तो लिहाजा मुझे यूँ बनाने हैं। चलो मैं सारे ऐड करके आपको दिखाती हूँ, ये स्पून से सही नहीं हो रहे तो लिहाजा मैं इसे हाथ से करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे चिकन के पकौड़े रेडी हो रहे हैं। भाई ये देखिए, तो थोड़ा सा फ्लेम मैं तेज़ कर लूँगी तो फिर इसको पलट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं पलट रही हूँ, तकरीबन इनको 3-4 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मैंने फ्लेम तेज़ कर दी थी। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं चिकन की और क्रंची क्रंची बने, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ये देखो, ये देखिए कुछ तो मैंने डिश आउट कर दी है, कुछ मैं और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी फ्लेम मैंने थोड़ी स्लो की है क्योंकि जले ना, और साथ साथ ये देखिए व्यूअर्स यहाँ मैं और ऐड करी और ये मैं कम्प्लीटली आपको बस ये थोड़े से रहिए कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से पकौड़े बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो रहे हैं
और ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। आपको पता है कि मेथी की खुशबू तो वाह लाजवाब होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो कुछ मैंने यहाँ पर डिश आउट कर दिए हैं और कुछ रहते हैं, बस इनको मैं कंप्लीट करके तो मैं आपको मिलती हूँ। ओके व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार पकौड़े रेडी हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही है सूफिया किचन में, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। तो कुछ मैंने डिश आउट कर दिए हैं, कुछ ये मैंने अभी पैन में ऐड किए हैं, तो मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। देखें व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से चिकन एंड वेजिटेबल के पकौड़े रेडी हो गए, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही यमी लग रहे हैं। तो यह मैंने चख लिए, बहुत टेस्टी हैं और मेथी की खुशबू में तो खुशबू से तो पूरा किचन ही महक उठाए। तो साथ में मैंने रायता बनाया, रायता जो है इसकी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन से ये होगा कि आपको हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपी पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।